यहोशुआ का किताब हम पढ़ रहे हैं। यहोशु पहले अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशु से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वे सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने से चौकसी करना, और उससे न तो दहीने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यर्दन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहे जो मूसा ने तुम्हें यर्दन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, पांति बांधे हुए, अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो, और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यर्दन के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया है लौट कर इसके अधिकारी होंगे। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न सुने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। पहले अध्याय को रेड कलर के मार्किंग्स देते देते आना, स्टार मार्क, या फिर पहले अध्याय को ही सर्कल कर देना और स्टार मार्क देना, क्योंकि ये फुल चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ओके, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे यहोशू का पहले वचन से। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए
और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इसराइली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यों कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यर्दन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और क्यों हो उनको खोजने वाले फाटक से निकले जो ही फाटक बंद किया गया, और ये लेटने न पाए थे और कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नाम यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसके चर्चा चिन्हानी मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपना पर बना था और वह वही रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। तुम जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के घराने के इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे, परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारे यह बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम निर्बंध ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको दिया किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया।
जाकर पहाड़ तक पहुंचे और वहां खोजने वालों के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग से ढूंढते रहे और कहीं न पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया, और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। 3रा अध्याय पढ़ेंगे यहोशू का पहले वचन से। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इसराइलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यर्दन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुम को अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उस से उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2,000 हाथ के अटकल अंतर रहे, तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इसराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तो वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे कि जब तुम यर्दन के जल के किनारे पहुँचो तब यर्दन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो, और यहोशू कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से निस्संदेह कनानियों हित्तियों हिव्वियों परिज्जियों गिरगाशियों एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यर्दन में जाने पर है, इसलिए अब इसराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाला याजकों के पांव यर्दन के जल में पड़ेंगे, उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यर्दन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के तीर के जल में डूब गए, यर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कड़रों के ऊपर ऊपर बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदास नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया। आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यर्दन के बीचों बीच पहुँच कर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इसराइली स्थल ही स्थल पर पार उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यर्दन पार हो गए। 4रा अध्याय पढ़ेंगे यहोशू का
पहले वचन से, जब उस सारे जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे कि तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों ने पांव धरे थे वहाँ से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पाल ले चलो, और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहाँ उनको रख देना, रेड कलर बॉक्स और स्टार मार्क देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को जिन्हें उसने इसराइलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, बॉक्स और स्टार देना रेड कलर, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इसराइलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे वह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से दो भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल दो भाग हो गया, सो वे पत्थर इसराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इसराइलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इसराइलियों से किया। जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इसराइली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया, और यरदन के बीच जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए, वे आज तक वही पाए जाते हैं। और याजक बॉक्स करना रेड कलर 9 को और स्टार देना, और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी ना हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी, तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए, और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए, और रूबेनी गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इसराइलियों के आगे पांति बांधे हुए पार गए, अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतर कर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने सब इसराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। और यहोवा ने यहोशू से कहा कि साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए, तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी कि यरदन में से निकल आओ, और क्यों हो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाला याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, क्यों हो यरदन का जल जो ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाला याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, जो त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के नाई कढ़हरों के ऊपर फिर बहने लगा। पहले महीने के 10वें दिन के को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इसराइलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे लड़के वाले अपने अपने पिता से यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना कि इसराइली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। 5th अध्याय पढ़ेंगे पहले वचन से, यहोशू का
पांचवा अध्याय पहले वचन से, जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहोवा ने इसराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सूखा रखा है, तब इसराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवा कर दूसरी बार इसराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवा कर खल्डिया नाम टीले पर इसराइलियों का खतना कराया, और यहोशू ने जो खतना कराया इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इसराइली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नाश न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। सो यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे, और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसमें मैंने आज उसे मैंने आज दूर की है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। सो इसराइली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे, और उन्होंने यरीहो के पास के अरबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन बिहान को मन्ना बंद हो गया, और इसराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश को उपज में से खाई। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है व हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपने जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। बॉक्स करना 14 और 15 को, 13, 14, 15 तीनों को एक साथ रेड कलर स्टार मार्क और बॉक्स देना। 6 अध्याय पढ़ेंगे पहले वचन से, और यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजक और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना, और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो, और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम जाओ
और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वे सात याजक जो यहोवा के सामने सात नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला, और हथियार बंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूँ तब तक जय जयकार न करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वही कटी। 12 वचन, बिहान को यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। 13 वचन, और उन सात याजकों ने जुबली के सात नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियार बंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूम कर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति के साथ रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल रहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इसराइली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह 90 से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष क्या स्त्री क्या जवान क्या बूढ़े वरन बैल भेड़ बकरी गदहे और जितने नगर में थे उन सभी सभों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपने शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर रहाब को और उसके माता पिता भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इसराइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगा कर फूंक दिया। केवल चांदी सोना और जो पवित्र पात्र पीतल और लोहे के थे उसको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने रहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इसराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने के को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इसराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नेव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगावाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। 7 अध्याय पढ़ते यहोशू का पहले वचन से, परंतु इसराइलियों ने अर्पण की
वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहोशू यहूदा के गोत्र का अकान जो जेरहवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा और यहोशू ने यरीहो से ऐ नाम नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की पूर्व की ओर है कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ, और उन पुरुषों ने जाकर ऐ का भेद लिया और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाए, कोई 2 वा 3 हजार पुरुष जाकर ऐ को जीत सकते हैं, सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए परंतु ऐ के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ऐ के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारिन तक उनका पीछा करके उत्तराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इसराइली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तो अपनी इस प्रजा को यर्दन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यर्दन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इसराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। आपको ध्यान में आया ये बात? परमेश्वर जब विरोधियों को हम पर चढ़ाई करने के वक्त में रोकता नहीं है, तब किस तरह से ये लोगों ने प्रार्थना किया? ओके, पूरा अपना पूरा अपना तन मन धन उंडेल दिया परमेश्वर के सामने और पूछताछ किया कि परमेश्वर क्या है ये, ऐसा क्यों है? ओके, और वो व्याकुलता में जब वो लोग प्रार्थना किए तो परमेश्वर ने उनको जवाब दिया है। ओके, और जवाब के अंदर क्या मिला आपको? कि परमेश्वर की जो वचन थे, वाचा थे, उसको इसराइलियों ने तोड़ा है। ओके, ध्यान रखना, आप ये सारी बातें ज़रूरी है, सीखने के लिए है। यहाँ पे आप बॉक्स कर दो, ये सारे वचन को एक साथ बॉक्स करो और स्टार मार्क लगा दो। ओके, और अब पढ़ते हैं आगे 12 वचन। इस कारण इसराइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं का को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। ओके, डेंजरस है, बॉक्स करना रेड कलर, अलग से 12 वचन को स्टार मार्क देना रेड कलर में। 13 वचन, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इसराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए बिहान को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े सो घराना घराना करके पास आए, फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इसराइल में अनुचित कर्म किया है।
बिहान को यहोशु सवेरे उठकर इसराइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप लिवा ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरह वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान जो जेरहवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। तब यहोशु आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे इसराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर और जो कुछ तू ने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छुपा। और आकान ने यहोशु को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इसराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में पड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। जब यहोशु ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गढ़ी है और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशु और सब इसराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इसराइलियों समेत यहोशु जेरह वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को निदान जो कुछ उसका था उन सब को आकार नाम तराई में ले गया। तब यहोशु ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इसराइलियों ने उसको पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक अकोर तराई पड़ा है। 8 अध्याय पढ़ते हैं यहोशु का पहले वचन से। तब यहोवा ने यहोशु से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ऐ पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ऐ के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसे ही ऐ और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ऐ पर चढ़ाई करने की तैयारी की और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुन कर रात ही को आज्ञा देकर भेजा और उनको यह आज्ञा दी कि सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना और सब के सब तैयार रहना। और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा और जब वे पहले की नाई हमारा सामना करने को निकले तब हम उनके आगे से भागेंगे। तब वे यह सोच कर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए और बेतेल और ऐ के मध्य में और ऐ की पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। बिहान को यहोशु सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इसराइली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे ऐ की ओर चला और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ऐ नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए और उनके और ऐ के बीच एक तराई थी।
तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ऐ के मध्यस्थ नगर की पश्चिम की ओर उनका घात में बैठा दिया। और जब लोगों ने नगर की उत्तर ओर की सारी सेना को और उसकी पश्चिम ओर घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया, तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब ऐ के राजा ने यह देखा, तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इसराइलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने है पहुंचा। और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इसराइली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इसराइलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए गए और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए और न आए में न और न बेतेल में कोई पुरुष रह गया जो इसराइलियों का पीछा करने को न पाया हो। और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इसराइलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा आए के और बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उस में आग लगा दी। 20 वचन, जब ऐ के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है और उनमें न तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर। और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इसराइलियों ने देखा कि जाति जातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर ऐ के पुरुषों को मारने लगे और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। सो वे इसराइलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इसराइली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे, सो उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया। और ऐ के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। और जब इसराइली ऐ के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहाँ उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके और वे सब के सब तलवार से मारे गए यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इसराइलियों ने ऐ को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे और ऐ के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब निवासियों को सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी इसराइलियों ने पशु आदि नगर कुल की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने ऐ को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया। वह आज तक उजाड़ पड़ा है और ऐ के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसकी लोथ वृक्ष पर से उतार कर नगर के फाटक के सामने डाल दी गई और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोशू ने इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई जैसा यहोवा के दास मूसा ने इसराइलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इसराइलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उनकी नकल कराई। और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इसराइली अपने वृद्ध लोगों सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेविय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग जो
गिरिज्जीम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले आज्ञा दी थी कि इसराइली प्रजा के आशीर्वाद दिए जाए। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़ कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उन में से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इसराइली के सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। 9 अध्याय पढ़ेंगे यहोशू का पहले वचन से। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यब्बोसी जितने राजा यर्दन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महानगर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इसराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ऐ से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर अपने पाँव में पुरानी गाठी हुई जूतियाँ और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इसराइली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इसराइली पुरुषों ने उन हिव्वियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यर्दन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अश्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने, हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने की को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से वह रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियाँ बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह के लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। बॉक्स करना इसको, डिसेप्शन, ओके, कैसा धोखा दिया देखो इन लोगों को। 14th वचन को बॉक्स करना, और इसराइली लोगों को भी यहोवा से पूछना चाहिए था, उन्होंने पूछा नहीं। 15th वचन, तब रेड कलर बॉक्स देना, 14 और स्टार देना। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई और उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इसराइली कुछ करके 3rd दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्वियत्यारीम है, पहुंच गए और इसराइलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फंस गए ना वो लोग, ओके। तो इसके कारण आपको यहोवा से पूछना है, जब परमेश्वर से आप पूछते तो आपका
धोखा होने वाला चांसेस घट जाता है। ओके, फिर प्रधानों ने 21 वचन, फिर प्रधानों ने उनसे कहा वे जीवित छोड़े जाएं। सो प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। फिर यहोशू ने उनको बुलवा कर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं? इसलिए अब तुम शापित हो, और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। बॉक्स करना इसको, 23 को ब्लू कलर का और स्टार मार देना। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों को तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया, और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इसराइलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने ना पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। 10 अध्याय को पढ़ेंगे, यहोशू का पहले वचन से। तब यरूशलेम के राजा अदोनी सेवेक ने सुना कि यहोशू ने ऐ को ले लिया और उसको सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इसराइलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे निपट डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ऐ से बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमूत के राजा पिराम, तारकेश के राजा यापी और एबलिन के राजा अभी दबीर के पास यह कहला भेजा कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे, क्योंकि उसने यहोशू और इसराइलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यरमूत, लकीश और एग्लोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा कि अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों के संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल में जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इसराइलियों से घबरा गए, और इसराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथोरेन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इसराइलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार से मारे हुए हुओं से अधिक थी, और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 प्रहर तक न डूबा?
बॉक्स करना, स्टार मार्क देना, रेड कलर। 14th वचन, ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इसराइल की ओर से लड़ता था। बॉक्स करना, रेड कलर, स्टार। तब यहोशू सारे इसराइलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया और वे पांचों राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला कि पांचों राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हमें मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों के उसके को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो। अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर ना दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इसराइली उनका सहार करके नाश कर चुके और उनमें से जो बच गए वे अपने अपने गढ़वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए और इसराइलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाए। तब यहोशू ने आज्ञा दी कि गुफा का मुंह खोलकर उन पांचों राजाओं का को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हेब्रोन, यरमूत, ताकिश और एग्लोन के उन पांचों राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इसराइल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं के गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनके गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। गुड रिपोर्ट, ओके, यहाँ पर मार्किंग देना, स्टार मार्क, गुड रिपोर्ट। 25 वचन, 26, इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और पांच वृक्षों पर लटका दिया। और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिप गए थे डाल दिया और उस गुफा के मुंह पर बड़ी बड़ी पत्थर धर दिए। वे आज तक वहां वही धरे हुए हैं। उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा को सत्यानाश किया और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित न छोड़ा। और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा के से भी किया। 29th वचन, तब यहोशू सब इसराइलियों समेत मक्केदा से चलकर लिज्जा को गया और लिज्जा से लड़ा और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इसराइलियों के हाथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा और उसमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इसराइलियों समेत लिज्जा से चलकर लाकेश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा और यहोवा ने लाकेश को इसराइल के हाथ में कर दिया। और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया और जैसा उसने लिज्जा के सब प्राणियों को तलवार से मारा था वैसा ही उसने लाकेश से भी किया। तब ये गेजेर का राजा होराम लाकेश की सहायता करने को चढ़ आया और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा। फिर यहोशू ने सब इसराइलियों समेत लाकेश से चलकर एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा। और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उनको उसको तलवार से मारा और उसी दिन जैसा उसने लाकेश के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला था वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इसराइलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उससे लड़ने लगा और उन्होंने उसे ले लिया
और उसको और उसके राजा और सब गांव को और उनमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा, जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था वैसा ही उसने हेब्रोन में भी किसी को जीवित न छोड़ा। उसने उसको और उसमें के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला। तब यहोशू सब इसराइलियों समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा और राजा समेत उसे और उसके सब गांवों को ले लिया और उन्होंने उनको तलवार से घात किया और जितने प्राणी उनमें थे सबको सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित न छोड़ा, जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिज्जा और उसके राजा से किया था वैसे ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा और इसराइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी के थे सभों को सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बरने से ले अबजा तक और गिबोन तक के सारे गेंशेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा इसराइलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इसराइलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया। 11 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यह सुनकर हसोर के राजा याबिन ने मदीन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को और जो जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नरेत की दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दोर के ऊंचे देश में रहते थे उनको और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरिय हित्तियों परिजियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हरमोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिव्वियों को बुलवा भेजा और वे अपने अपने सेना समेत जो समुद्र के किनारे बालू के किनकों के समान बहुत थी मिलकर निकल आए और उनके साथ बहुत ही घोड़ों और रथ भी थे। तब ये सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इसराइलियों से लड़ने को मेरोस नाम ताल के पास आकर एक संग छावनी डाले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इसराइलियों के वश करके मरवा डालूंगा। तब तो उनके घोड़ों के सुन की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। गुड रिपोर्ट, स्टार मार्क देना इसको, रेड कलर। 7 वचन, और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नाम ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा और यहोवा ने उनको इसराइलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्र पोतमे तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के सुम की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। उस समय यहोवा ने घूमकर हसोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर सत्यानाश किया और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। और हसोर को यहोशू ने आग लगाकर फुकवा दिया और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हसोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुकवा दिया, इसराइल ने और किसी नगर को जो अपने टीले पर बसा था नहीं जलाया और इन नगरों के पशु और इनके सारी लूट को इसराइलियों ने अपना कर लिया। परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक
उनको सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ पाया, जो छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिणी देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश, अराबा और इसराइल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को हलाक नाम पहाड़ से ले, जो सेईर की चढ़ाई पर है, बालगद तक, जो लबानोन के मैदान में हर्मोन पर्वत के नीचे है, जितने देश है उन सब को जीत लिया, और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिव्वियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इसराइलियों से मेल न किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़ कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, उन पर कुछ भी दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले। इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इसराइलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इसराइल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नाश किया। यहोशू ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। इसराइलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अब्जा, गल और अशदोद में कोई कोई रह गया। जैसे यहोवा ने मूसा से कहा था, वैसा ही यहोशू ने वहां वह सारा देश ले लिया, और उसे इसराइल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांति मिली। 12 अध्याय पढ़ेंगे यहोशू का पहले वचन से। यर्दन पार सूर्योदय की ओर, अर्थात अरनान नाले के से लेकर हरमोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्व अरबा के जिन पूर्वी अराबा अरबा के जिन राजाओं को इसराइलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था, ये है। एमोरियों का हेशबोन वासी राजा सीहोन, जो अर्नोन नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर यबोक नदी तक, जो अमोनियों का सिवाना है, आधे गिलाद पर और किन्नरेत नाम ताल से लेकर बेवेशिमोल से होकर अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिसगा की सलामी के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा ओग का देश था, जो अश्तारोत और एरदई में रहा करता था, और हरमोन पर्वत, सलका और पशु गशुरियों और माकियों के सिवाने तक कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सिहोन के सिवाने तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। इसराइलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया, और यहोवा के दास मूसा ने उनको देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया, और यर्दन के पश्चिम की ओर लबानोन के मैदान में के बालगात से लेकर सेईर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इसराइलियों ने मारकर उनका देश इसराइलियों के गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वे ये हैं: हित्ती और एमोरी और कनानी और परज्जी और हिव्वी और यबूसी, जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिण देश में रहते थे, एक यरीहो का राजा, एक बेतेल के पास के ऐ के राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक यरमूत का राजा, एक लाकेश का राजा, एक एग्लोन का राजा, एक गेजर का राजा, एक दबीर का राजा, एक गेदर का राजा, एक होर्मा का राजा, एक अरद का राजा, एक लिज्जा का राजा, एक अदुल्लाम का राजा, एक मलकेदा का राजा,
एक बेतेल का राजा, एक तपोह का राजा, एक अहपेर का राजा, एक अपेक का राजा, एक तश्शारिन का राजा, एक मदोन का राजा, एक अहासोर का राजा, एक शिमरोनर का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तना का राजा, एक अगिद्दो का राजा, एक कादे केदेश का राजा, एक कर्मेल में के योकनाम का राजा, एक दोर नाम ऊंचे देश में के दोर का राजा, एक गिलगाल में के गोयम का राजा, और एक तिरसी का राजा। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। 13 अध्याय पढ़ेंगे पहले वचन से। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इसराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं, अर्थात पलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरियों, मिस्र के आगे शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन के सिवाने तक, जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पलिश्तियों के पांचों सरदार अर्थात अब्जा, अशदोद, अश्कलोन और गल और एक्रोन के लोग, और दक्षिणी और अव्वी के भी, फिर अपेक और अमोरियों के सिवाने तक कनानियों का सारा देश, और सिदोनियों का मारा नाम देश, फिर गवास गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हरमोन पर्वत के नीचे के बालगाद से लेकर हमाल की घाटी तक सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्र पुत मैस तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इसराइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना ही कि इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश इसराइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को नवों गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्रों को उनका भाग होने के लिए बांट दे। इसके साथ रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यर्दन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हीं को दिया था, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरेक से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर दिबोन तक मेदवा के पास का सारा चौरस देश, और अमोनियों के सिवाने तक हेशबोत में विराजने वाले एमोरियों के राजा सिहोन के सारे नगर, और गिलाद देश और गशूरियों और माकावासियों का सिवाना, और सारा हरमोन पर्वत और सलका तक कुल बाशान, फिर अश्तारोत और अदई में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रपैशे में से अकेला बस गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इसराइलियों ने गशुरियों और मकियों को उनके देश में से न निकाला, इसलिए गशुरों और माकी इसराइलियों के मध्य में आज तक रहते हैं, और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इसराइल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरे हैं। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोअर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हिशबोन और उसके सब गांव, फिर दिबोन बसोदबाल बेलबारमोन यहसा कदमेत मेपात क्रियातिम जिबमा और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ सरद शहर बेलपोर पिलगा की सलामी और बेव्याशिमोत
निदान चौरस देश में बसे हुए हिशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सिहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवे, रेकेम, सूर, होर और रेबा नाम मिद्दान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सिहोन के ठहराए हुए हकीम और उसी देश के निवासी थे। और इसराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहलाने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रुबेनियों का सिवाना यर्दन का तीर ठहरा। रुबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर और रब्बा के सामने के अरोअर तक अमोनियों का आधा देश और हशबोन से राम तमिस पे और बतोनिस एक और महनेम से दबिर के सिवाने तक बतोनिम तक और महनेम के से सब दबिर के सिवाने तक और तराई में बिथराम, बेनिम्रा, सुक्कोत और सापोन और हेशबोन के राजा सिहोन के राज्य के बचे हुए भाग और किन्नरेत नामताल के सिरे तक यर्दन के पूर्व की ओर का यह देश जिसका सिवाना यर्दन है। गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनुष्य के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर दिया। वह मनुष्यों के आधे गोत्र का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। वह यह है, अर्थात महनेम से लेकर बाशन के राजा ओग के राज्य का सब देश और बाशन में बसी हुई याइर की 60 बस्तियां और गिलाद का आधा भाग और अश्तारोत और एद्रेई जो बाशन में ओग के राज्य के नगर थे। ये मनुष्य के पुत्र माकिर के वंश का अर्थात माकिर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यर्दन के पूर्व की ओर बांट दिए वे ये ही है। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इसराइल के परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। 14th अध्याय पढ़ते हैं, यहोशू का पहले वचन से। जो भाग इसराइलियों ने कनान में पाए उन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इसराइली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनको दिया वे ये है, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यर्दन पर दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हो गए थे, अर्थात मनुष्य और अप्रेम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया। केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को और चराइयों उनकी उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार इसराइलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। गुड रिपोर्ट। ओके, ये बॉक्स ये रेड कलर का स्टार देना इसको, 8 वचन। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव
धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। स्टार मार्क देना इसको। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से कह यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इसराइली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी है, परंतु क्या जाने, संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उनको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इसराइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले समय में तो हेब्रोन का नाम किरिया तरबा था। वह अरबा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। 15 अध्याय पढ़ते हैं यहोशुआ का पहले वचन से। यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने का से एदोम के सिवाने तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक जो दक्षिणी सिवाने पर है ठहरा। उनके भाग का दक्षिणी सिवाना खारे ताल के उस सिरे वाले कोल से आरंभ हुआ जो दक्षिण की ओर बढ़ा है और वह अक्रबीम नाम चढ़ाई की दक्षिणी ओर से निकलकर तीन सीन होते हुए कादेश बरने के दक्षिण की ओर को चढ़ गया। फिर हेब्रोन के पास हो अटार को चढ़कर करका की ओर मुड़ गया। वहां से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकला और उस सिवाने का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारा दक्षिणी सिवाना यही होगा। फिर पूर्वी सिवाना यर्दन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरा और उत्तर दिशा का सिवाना यर्दन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके बेथोगला को चढ़ाते हुए बेतरब्बा की उत्तर की ओर होकर रुबेनी बहन बोहन वाले नाम पत्थर तक चढ़ गया और वही सिवाना अकोर नाम तराई से जबीर की ओर चढ़ गया और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुका जो नाले की दक्षिण ओर की अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। वहां से वह एन शेमेश नाम सोते के पास पहुंचकर एन रोगेल पर निकला। फिर वही सिवाना हिन्नोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस जो यरूशलेम कहलाता है उसकी दक्षिण अलंग से बढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जो पश्चिम की ओर हिन्नोम की तराई के सामने और रपाइम की तराई की उत्तर वाले सिरे पर है। फिर वही सिवाना उस पहाड़ की चोटी से नेप्तोल नाम सोते को चला गया और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकला। फिर वहां से बाला को जो किरियव्यारिम भी कहलाता है पहुंचा। फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर सेइर पहाड़ तक पहुंचा और यारिम पहाड़ जो कसातोन से कहलाता है कि उसकी उत्तर वाली अलंग से होकर बेतशेमेश को उतर गया और वहां से तिमना पर निकला। वहां से वह सिवाना एक्रोन की ओर उत्तरी अलंग के पास होते हुए शिलकरोन गया और बला पहाड़ होकर यन्नेत पर निकला और उस सिवाने का अंत समुद्र का तट हुआ और पश्चिम का सिवाना महासमुद्र का तीर ठहरा। यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला उसकी उसको उसकी चारों ओर का सिवाना यही हुआ। और यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किर्यातरबा को तो हेब्रोन भी कहलाता है, वह अरबा अनाक का पिता था। और कालेब ने वहां से शशय अहिमन और तत्मय नाम अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह
दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्वकाल में तो दबीर का नाम किरियत सेपेर था, और कालेब ने कहा, जो किरियत सेपेर को मार कर ले ले, उसे मैं अपने बेटी अकसा को ब्याह दूंगा। तब कालेब के भाई ओनियल कनजी ने उसे ले लिया, और उसने उसे अपनी बेटी अकसा को ब्याह दिया। और जब वह उसके पास आई, तब उसने उसके पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी, और कालेब ने उससे पूछा, क्या चाहती है तू, क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते, नीचे के सोते दोनों उसे दिए। यहूदियों के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा, और यहूदियों के गोत्र के किनारे वाले नगर दक्षिण देश में एदोम के सिवाने की ओर ये है, अर्थात कपसेल, जुएर, यापोर, यागुर, किना, दिमोना, अदामा, अदादा, कदेश, हसोर, यिनान, जीम, तेलेम, बलोत, हसोरता, किरियोर्थेहियोन, श्रोन, जो हमोर भी कहलाता है, और अमाम, शमा, मोलादा, हसरगद्दा, हशमोन, बेतपालेल, हर्षुआल, बेरशबा, बिजियोजा, बाला, याइम, एसेम, एलेलो, कसिल, होर्मा, सिकल्पा, सिकलग, मदमसा, सनसना, लबाओत, शितहीम, एन और रिमिन, ये सब नगर 29 है, और उनके गांव, इनके गांव भी है। और नीचे के देश में ये है, अर्थात एश्ताओल, सोरा, अश्ना, जानोम, एनगनेम, तप्पूह, एनाम, यरमुत, अदुल्लाम, सोको, अजेका, शर्रे, अदैतिम, गदेरा और गदेरोतेन, ये सब 14 नगर है, और इनके गांव भी है। फिर सनान, हदाशा, सिगदलगाद, दिलान, मिसपे, योक्तेल, लाकिश, बोस्केल, एग्लोन, कब्रोन, लहमास, कितलेश, गदेरोत, बेतदागोन, नासा और मक्केदा, ये 16 नगर है, और इसके गांव भी है। फिर लीजा, एतेर, आशान, इप्ता, अश्मा, अश्ला, नसीब, किला, अकजीब और मरेशा, ये 9 नगर है, और इनके गांव भी है। फिर नगरों और गांव समेत एक्रोन, और एक्रोन से लेकर समुद्र तक, और अपने अपने गांव समेत जितने नगर अश्दोद की अलंग पर है। फिर अपने अपने नगरों और गांव समेत अश्दोद और अज्जा, वरन मिस्र के नाले तक और महासमुद्र के तीर तक जितने नगर है, और पहाड़ी देश में ये है, अर्थात शमीर या तीर, सिको, सोको, दत्रा, किरियत्सबा, जो दबिर भी कहलाता है, अनाब, एशतनी, एनोम, गोशेन, होलोन और गिलो, ये 11 नगर है, और इनके गांव भी है। फिर अरब, दुमा, ऐशान, यानिम, बेतपोहा, अपेका, होमता, किरियर तरबा, जो हब्रोन भी कहलाता है, और सियोर, ये 9 नगर है, और इनके गांव भी है। फिर माउन, कर्मेल, जीप, युता, मिज्रेल, योकदाम, जनो, कैन, गिदा, गिबा और तिमना, ये 10 नगर है, और इनके गांव भी है। फिर हलहुल, बेतसूर, गदोर, मरात, बेलनोत और एलतकोन, ये 6 नगर है, और इनके गांव भी है। फिर किरियत बाल, जो किरियत बारिम भी कहलाता है, और रब्बा, ये 2 नगर है, और इनके गांव भी है। और जंगल में ये नगर है, अर्थात बेलराबा, बेतिन, सकाका, निबशान,
लोनवाला नगर और एनगदी, ये 6 नगर हैं और इनके गांव भी हैं। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी ना निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। 16 अध्याय पढ़ेंगे यहोशू का पहले वचन से। फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया, उनका सिवाना यरीहो के पास की यर्दन नदी से अर्थात पूर्व पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंचा। वहां से वह लूज तक पहुंचा और एरेकियों के सिवाने होते हुए अतारोत पर जा निकला और पश्चिम की ओर यापलेतियों के सिवाने से उतरकर फिर नीचे वाले बेथेरोन के सिवाने से होकर गेजर को पहुंचा और समुद्र पर निकला। तब मनश्शे और एप्रेम नाम यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। एप्रेमियों का सिवाना उनके कुलों के अनुसार यह ठहरा, अर्थात उनके भाग का सिवाना पूर्व के आरंभ होकर अत्रोतदार से होते हुए ऊपर वाले बथोरोन तक पहुंचा और उत्तरी सिवाना पश्चिम की ओर के मिकमतात से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तानत शिलों को पहुंचा और उसके पास से होते हुए यानो को तक पहुंचा। फिर यानो से वह अतारोत और नारा को उतरता हुआ यरीहो के पास होकर यर्दन पर निकला। फिर वही सिवाना तप्पोह से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकला। एप्रेमियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और मनश्शेइयों के भाग के बीच भी कई एक नगर अपने अपने गांवों समेत एप्रेमियों के लिए अलग किए गए, परंतु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रेमियों ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। 17 अध्याय का पहले वचन से पढ़ते हैं यहोशू। फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनश्शे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकिर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिला, इसलिए यह भाग दूसरे मनश्शे के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात अबियाजेर, हेलेक, उस असियेल, शेकेम, हेपेर और शमिदा, जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश में के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। परंतु हेपेर जो गिलाद का पुत्र माकिर का पोता और मनश्शे का पर पोता था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं बेटियां ही हुई और उनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा है। तब वे एलियाजर याजक नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे, तो यहोशू ने हम यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चाचाओं के बीच भाग दिया। तब मनश्शे को यर्दन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़ उस 10 भाग मिले, क्योंकि मनश्शेइयों के बीच में मनश्शेई स्त्रियों को भी भाग मिला और दूसरे मनश्शेइयों को गिलाद देश मिला और मनश्शे का सिवाना आशेर से लेकर मिकमतात तक पहुंचा, जो शकेम के सामने है। फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर एनतप्पोह के निवासियों तक पहुंचा। तप्पोह की भूमि तो मनश्शे को मिली, परंतु तप्पोह नगर जो मनश्शे के सिवाने पर बसा है वह अप्रमियों का ठहरा। फिर वहां से वह सिवाना काना के नाले तक उतर के उसके दक्षिण की ओर तक पहुंच गया। यह नगर यद्यपि मनश्शे के सिवाने के पर बसा है वह एप्रेमियों का ठहरा। दक्षिण की ओर का देश तो एप्रेम को और उत्तर की ओर का मनश्शे को मिला और उसका सिवाना समुद्र ठहरा, और वे उत्तर की ओर आशेर से और पूर्व की ओर इस्साकर से जा मिले
और मनश्शे की इसकार और आशेर अपने अपने नगरों समेत अबेतशान इबलाम और अपने नगरों समेत तानाक की निवासी और अपने नगरों समेत मगीदी के निवासी ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं मिले, परंतु मनश्शे उन नगरों के निवासियों को उन में से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बरियाई में से बसे ही रहे। तो भी जब इसराइली सामर्थी हो गए तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर न किया। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत है क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है, फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है। यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रैम की पहाड़ का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिजियों और रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है और क्या बेतसान और उसके नगरों में रहने वाले, क्या इज़राइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने क्या एप्रैमी क्या मनश्शे अर्थात यूसुफ के सारे घराने में से कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी बड़ी सामर्थ भी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास के देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। 18 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। फिर इसराइलियों को सारी मंडली ने शिलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था और इसराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे। अब प्रति गोत्र के पीछे 3 मनुष्य ठहरा लो और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चल कर देश में घूमें फिरे और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए और वे देश के 7 भाग लिखे। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहे, और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तो वे पुरुष उठकर चल दिए और जो उस देश का हाल लिखने को चले उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी कि जाकर देश में घुसो फिरो और उसका हाल लिख कर मेरे पास लौट आओ और मैं यहाँ शिलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शिलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शिलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली और वही यहोशू ने इसराइलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिए और बनियामिनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा और उनका उत्तरी सिवाना यर्दन से आरंभ हुआ और यरीहो की उत्तर अलंग से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल
में निकला। वहां से वह लोज को पहुंचा जो बेतेल भी कहलाता है और लोज की दक्षिण अलंग से होते हुए निचले बेथोरोन और की दक्षिण ओर के पहाड़ के पास हो अत्रोतदार को उतर गया। फिर पश्चिमी सिवाना मुड़ के बेथोरोन के सामने और उसकी दक्षिण ओर के पहाड़ से होते हुए किरियत बाल नाम यहूदियों के एक नगर पर निकला जो किरियत यारीम भी कहलाता है। पश्चिम का सिवाना यही ठहरा। फिर दक्षिण अलंग का सिवाना पश्चिम से आरंभ होकर किरिया व्यारिम के सिरे से निकलकर नेप्तोह के सोते पर पहुंचा और उस पहाड़ के सिरे पर उतरा जो हेब्रोम के पुत्र की तराई के सामने और रपाइम नाम तराई की उत्तर ओर है। वहां से वह हेब्रोम की तराई में अर्थात यबूस की दक्षिण अलंग होकर एनरोगेल को उतरा। वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर एनशेमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गया जो अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से वह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गया। वहां से वह उतर कर उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की अलंग से होते हुए अराबा को उतरा। वहां से वह सिवाना बेथोगला की उत्तर अलंग से जाकर खारे ताल की उत्तर ओर के कोल में यर्दन के मुहाने पर निकला। दक्षिण का सिवाना यही ठहरा और पूर्व की ओर का सिवाना यर्दन के ही ठहरा। बन्यामिनियों का भाग चारों ओर के सिवानों सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और बन्यामिनों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले अर्थात यरीहो, बेथोगला, एमेकिसिस, बेत्राबा, सम्मेरिम, बेतेल, अविस, परा, ओपरा, कपरमोनी, ओपनी और गेबा, ये 12 नगर और इनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोथ, मिस्पे, कपीरा, मोसा, रेकेम, यरपल, तरला, सेला, एलेप, योबोस जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबल और किरियत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बिन्यामिनों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। 19 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। दूसरी चिट्ठी शमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर है अर्थात बरशेबा, शेखा, मुलादा, हसरशुआल, बाला, एसेम, एल्तोलद, बतुल, हुरमा, बेतलबाउत और शरूहेज, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बेतल बाउल और शरूहेन, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर एन रिमोन, एलेर और आशान, ये 4 नगर गांव समेत और बलबेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमानियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमानियों का भाग तो यहूदियों के वंश में से दिया गया क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था, इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। तीसरी चिट्ठी जबुलोनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग का सिवाना सरीद तक पहुंचा और उनका सिवाना पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर अबशेत को पहुंचा और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गया। फिर सरीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलोत्ताबोर के सिवाने तक पहुंचा और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकला और यापी की ओर जा निकला। वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर ये गथेपेर और इतकासिन को गया और उस रिमोन में निकला जो नेया
तक फैला हुआ है। वहां से वह सिवाना उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हवातोन पर पहुंचा और यप्तहेल की तराई में जा निकला। और खतात, नहलाल, शिब्रोन, यदला और बेतलहम, ये 12 नगर उनके गांव समेत उसी भाग के ठहरे। जबलोनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें उन अपने अपने गांवों समेत यही नगर है। चौथी चिट्ठी इसाकियरियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनका सिवाना इज़राइल, कसुल्लत, शुनेम, हप्पारोम, शियोन, अनहरत, रबित, किशियोत, एबेस, रेमेत, एनगबीम, एनाडा और बेतपसेस तक पहुंचा। फिर वह सिवाना ताबोर, शहसुमा और बदशेमेश तक पहुंचा और उनका सिवाना यर्दन नदी पर जा निकला। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने गांव समेत मिले। कुलों के अनुसार इसाकारियों का के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। पांचवी चिट्ठी अशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनके सिवाने में हेलकल, हली, बेलेन, अक्षाप, अलम्मेलेक, अमाद और मिशाल थे और वह पश्चिम की ओर करमेल तक और शाहोरलीनात तक पहुंचा। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेत दागोन को गया और जबलून के भाग तक और यप्तहेल की तराई में उत्तर की ओर होकर बतेमेक और नियल तक पहुंचा और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकला। और वह एब्रोन, रहोब, हम्मोन और काना से होकर बड़े सिदोन को पहुंचा। वहां से वह सिवाना मुड़कर रामा से होते हुए सोन नाम गढ़ वाले नगर तक चला गया। फिर सिवाना होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकला। उम्मा, अपेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांवों समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार अशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकले और उनका सिवाना हेलेप से और सनब्रिम से, मेके बांज वृक्ष से, अदामी ने केब और यजेल से होकर और लखुम को जाकर यर्दन पर निकला। वहां से वह सिवाना पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोताबोर को गया और वहां से हुकोक को गया और दक्षिण और जबलून के भाग तक और पश्चिम की ओर अशेर के भाग तक और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यर्दन नदी पर पहुंचा। और उनके गढ़ वाले नगर ये है अर्थात सिद्दीम से सेर, हम्मत, रक्कत, किन्नरेत, अदामा, रामा, हसोर, केदेश, एद्रेई, एनाहसेर, यरोन, मिगदलेल, हरेम, बेतनाल और बेतशेमेश, ये 19 नगर गांवों समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और उनके गांवों समेत यही ठहरा। सातवीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र के नाम पर निकली और उनके भाग के सिवाने में सोरा, इश्ताइल, इर्शमेश, शलबिन, अयालोन, यतला, एलोन, लिमना, एक्रोन, एलतके, गिबलोन, बलाल, बलात, यहूद, बने बराक, गत्रीमोन, मेयरकान और रक्कोन ठहरे। और यापो के सामने का सिवाना भी उनका था। और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया अर्थात दानी जेशेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। जब देश को बांटा जाना सिवानों के अनुसार निपट गया
तब इसराइलियों के ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। वह यह अप्रेम के पहाड़ी देश में का विमनत से रहा है, और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो जो भाग एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इसराइलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य मुख्य पुरुषों के ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए, वे ये ही है। निदान उन्होंने देश विभाजन का काम निपट दिया। 20 अध्याय पढ़ेंगे पहले वचन से। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इसराइलियों से यह कह कि मैंने मूसा के द्वारा तुम से शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकदमा कह सुनाए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले और उसे कोई स्थान दे जिसमें वह उनके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी की बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में न दे। और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर में फिर रहने पाए। और उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के केदेश को और एप्रेम के पहाड़ी देश में शकेम को और यहूदा के पहाड़ी देश में किरियतरबा को, जो हेब्रोन भी कहलाता है, पवित्र ठहराया। और यरीहो के पास के यर्दन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग के में बसेरे को, जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है, और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रमोत को और मनश्शे के गोत्र के भाग में बाशान के गलान को ठहराया, सारे इसराइलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी, जो नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वह इन में से किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने न पाए, वे ये ही है। यहोशू का 21 अध्याय को पढ़ेंगे पहले वचन से। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष एलियाजर नामक और नून के पुत्र यहोशू और इसराइली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयां भी देने की आज्ञा दिलाई थी। तब इसराइलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए, और कहातियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली। इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी शिमोन और बिन्यामिन के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले, और बाकी कहातियों को एप्रेम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डाल डालकर उस नगर 10 नगर दिए गए। और गेर्शोनियों को इसाकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बशान में था चिट्ठी डाल डाल कर 13 नगर दिए गए। और कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन गाद और जबलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा से दिलाई भी उसके अनुसार इसराइलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए। उन्होंने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेविया कहाती कुलों में से हारून के देश के लिए थे
क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी, अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किरियातरबा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसके निज भूमि करके दे दिए। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिज्जा, यजीर, सितमो, यतीर, एश्तमो, हेलोन, अब दबीर, एन, युत्ता और बेटशेमेश दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए और बन्यामिन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अतमोन। इस प्रकार हारून वंशी याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयां मिली। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के नगर चिट्ठी डाल डालकर अप्रैम के गोत्र के भाग में से दिए गए, अर्थात उनको चराइयों समेत अप्रैम के पहाड़ी देश में खूनी शरण लेने को शकेन नगर दिया गया और अपनी अपनी चराइयों समेत गेजर, किबसैम और बेथोरोन, ये 4 नगर दिए गए और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत एलत के गिबलोन, अयालोन और या गत्रीमोन, ये 4 नगर दिए गए और मनुष्य के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानाक और गत्रीमोन, ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों में के गेर्शोनियों को मनुष्य के आधे गोत्र के भाग में से अपने अपने चराइयों समेत खूनी के शरण नगर बाशान का गोलान और बेशतरा, ये 2 नगर दिए गए और इसकार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किशियोन, दाबरत, यरमूत, एनगमिन, ये 4 नगर दिए गए और आशेर के गोत्र के भाग में ये अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल, अब्दोन, हेलकात और राहोब, ये 4 नगर दिए गए और नप्ताली के गोत्र में के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील का केदेश, फिर हमोल दोर और करनान, ये तीन नगर दिए गए। गेर्शोनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। फिर बाकी लेवियों अर्थात मरारियों के कुलों को जबलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योतनाम, करता, हिमना और नहलाल, ये 4 नगर दिए गए और रूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, केदेमोत और मेपात, ये 4 नगर दिए गए और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गिलाद में का रामोत, फिर महनेम, हेशबोन और याजर, जो सब मिलाकर 4 नगर है दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर ये ही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डाल डालकर दिए गए। इसराइलियों के निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। इस प्रकार यहोवा ने इसराइलियों को यह सारा देश दिया जिसे उसने अब उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इसराइल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी न छूटी जबकि सब पूरी हुई। 22 अध्याय पढ़ेंगे यहोशू का। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे
गोत्रियों को बुलवा कर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वह सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है, और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यर्दन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। स्टार मार्क देना रेड कलर 5वां वचन को। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बासान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने अपने भाइयों उनके भाइयों के बीच यर्दन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाए, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी सोना पीतल लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट जाओ, और अपने शत्रुओं को की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी गादी और मनश्शे के आधे गोत्री इसराइलियों के पास से, अर्थात कनान देश के शीलो नगर से, अपनी गिलाद नाम निज भूमि में जो मूसा से दिलाई हुई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने की मनसा से लौट गए। और जब रूबेनी गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यर्दन के उस तराई में पहुंचे तो जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने के योग्य एक बड़ी वेदी बनाई, और इसका समाचार इसराइलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यर्दन की तराई में, अर्थात उसके उस पार जो इसराइलियों का है, एक वेदी बनाई है। जब इसराइलियों ने यह सुना तब इसराइलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठे हुई। तब इसराइलियों ने रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इसराइल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा, और वे इसराइल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इसराइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, पोर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था, यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा की को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? क्या तुम यहोवा से फिर जाते हो? और कल वह इसराइल की सारी मंडली को पर क्रोधित होगा। परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, या जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो, परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और न हमसे। देखो, जब जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इसराइल की पूरी मंडली पर न भड़का और उस पुरुष के अधर्म का प्राण दंड अकेले उसी को न मिला? तब रूबेनियों गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इसराइल के हजारों के मुख्य
पुरुषों को यह उत्तर दिया कि यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा उसको जानता है, और इसराइली भी उसे जानते जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के वह उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया है हो तो तू आज हमको जीवित न छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे, व इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि व मेल बलि चढ़ाए, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारे संतान से यह न कहने लगे कि तुमको इसराइल का परमेश्वर यहोवा से क्या काम, क्योंकि हे रूबेनियो, हे गादियो, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यर्दन को दृढ़ ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा ने में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा के यहोवा का भय छुड़ा देगी। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना ले, वह होम बलि व मेल बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और तुम्हारे और हमारे भी बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम देख, इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा कि जब वे लोग भविष्य में हमसे वा हमारे वंश से यों कहने लगे, तब हम उनसे कहेंगे कि यहोवा की वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होम बलि व मेल बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम हो। यह हम से दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दे और अपने परमेश्वर यहोवा को उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है होम बलि और अन्न बलि व मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनाए। एब्रनियों या गादियों मनुष्य के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर पिनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान जो इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रमुख अति प्रसन्न हुए, और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास के रूबेनियों, गादियों और मनुष्यों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने यह जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है और तुम लोगों ने इसराइलियों के यहोवा के हाथ से बचाया है। तब एलियाजर याजक का पुत्र पिनहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कनान देश में इसराइलियों के पास लौट गया और वह वृत्तांत उनको कह सुनाया। तब इसराइली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा, और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर कि यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात का साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम एद रखा। 23 अध्याय पढ़ते हैं यहोशू का पहले वचन से। इसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इसराइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, जब तब यहोशू सब इसराइलियों को अर्थात पुरनियों के मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों को भाग कर दिया है, और यर्दन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाले इन सभी सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है, जिनको मैंने काट डाला है, और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। स्टार मार्क रेड कलर। इसलिए बहुत हियाव बांधकर जो कुछ मूसा की
व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरे पूरा करने में चौकसी करना, उसे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, रेड कलर स्टार। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है इनके बीच न जाना और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना और न उनकी शपथ खिलाना और न उनकी उपासना करना और न उनको दंडवत करना, स्टार मार्क रेड कलर, और बॉक्स करना सातवें वचन को। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1,000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है, स्टार मार्क और बॉक्स रेड कलर में। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते थे और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ेंगे, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी। और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे, 11, 12, 13 स्टार मार्क बॉक्स रेड कलर में। 14th वचन, सुनो मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ और तुम सब अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही उनमें से एक भी बिना पूरा पूरी हुए नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर घटाते घटाते तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है सत्यानाश कर डालेगा। जब तुम उस वाचा को, ये 15 को रेड कलर बॉक्स और स्टार देना, 16 वचन, जब तुम उस वाचा को जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगे, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नाश हो जाओगे। बॉक्स करना, स्टार देना रेड कलर का। 24 अध्याय पढ़ते हैं यहोशु का पहले वचन से। फिर यहोशु ने इसराइल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया और इसराइल में वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल से मैं अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया और एसाव को मैंने सेईर नाम पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र के में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुँचे और मिस्रियों के ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दोहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबो दिया और जो कुछ मैंने निज भाग जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपने आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक
जंगल में रहे, तब मैं तुमको उन अमोरियों के देश में ले आया जो यर्दन के उस पार बसे थे, और वे तुम से लड़े और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इसराइल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की सुनने के लिए नहीं की, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। बॉक्स करना, रेड कलर, स्टार देना 10 वचन। तब तुम यर्दन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिरगाशी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार का व धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसी किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनमें हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली अमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू के लोगों से कहा, तुम से यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि यह वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला परमेश्वर ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराए देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। 19 और 20 स्टार मार्क और बॉक्स रेड कलर में। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी अंगीकार की है, कर ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी है। यहोशू ने कहा, अपने बीच पराए देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इसराइल के परमेश्वर की ओर लगाओ। स्टार मार्क 22-23 बॉक्स। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शेकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराया। वह सारा वृतांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू के ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है। अंडरलाइन करना रेड कलर में, ओके, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे उन
उन्हें इसने सुना है, इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा के का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्नत सेरह में, जो अप्रेम की पहाड़ी देश में गश नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इसराइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन पर इसराइली यहोवा ही के सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां, जिन्हें इसराइली मिस्र से ले आए थे, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। और हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया, और उसको अप्रैम की पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिबत पिनहास कहलाती है, और उसको दे दी गई थी। न्यायियों की किताब पहले अध्याय से पढ़ेंगे।